जाने से उसी तरह से जी हम लोग आए हैं यहाँ। अमीन का जो बहाली आया था, ये बहाली है 2019 दिसंबर में निकला था, हाँ, और 1767 बहाली निकला था। और एग्जाम जो है इसका जो है कि इधर दो साल जो है कि के बाद अगस्त में इधर हुआ और रिजल्ट, हाँ, रिजल्ट इधर आया हाल फिलहाल में, हाँ। ज्वाइनिंग होने दिक्कत ये है कि जब 1700 स्टूडेंट सेलेक्टेड कितना हुए ये बताइए, सेलेक्टेड हो चुके हैं। जनवरी में जो है 1767 अमीन का जनवरी में ज्वाइनिंग होने वाला था, मंत्री जी पेपर में 2021 जी 2022 में हम लोग का ज्वाइनिंग होना था। मंत्री जी पेपर में निकाले कि 1767 अमीन को विभाग नियुक्त कर लिया है, जनवरी में ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। और उसके बाद माननीय न्यायालय का पेपर में निकला नियुक्त हो गया था, आप लोग ऑफिशियली तो नियुक्ति पाइएगा तब ना, पेपर में नहीं निकला है। मंत्री जी का बयान लगातार आ रहा है कि हम नियुक्त करा लिए हैं, सब हम लोग का रिजल्ट तो आ गया था अक्टूबर में, अब आगे का आज 8 तारीख को डीबी था और जनवरी में ज्वाइनिंग था। क्या हुआ 6 तारीख को मंत्री जी बोले कि 1 तारीख को ज्वाइनिंग करा देंगे, कौन रामसूरत रहे जी, वो 6 तारीख को बोले कि 1 तारीख को ज्वाइनिंग करा देंगे अमीन का। और बताइए उसके बाद ये धांधली हम लोगों के साथ हुआ है, ये कहाँ का न्याय है, क्या बोला गया 6 तारीख को? माननीय न्यायालय के द्वारा 2 दिन पहले इस बहाली प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया गया। कोर्ट में कोई गया होगा तब दिक्कत, देखिए ये 2013 कैडर रूल जो अमीन का था उसमें पहले था कि 12th प्लस अमानत की डिग्री चाहिए, लेकिन 2016 और 2017 में इसको चेंज करके सिर्फ 12th किया गया है। 12th करने के बाद ये विज्ञापन निकला और हम लोग एग्जाम दिए, सारे पास आउट हुए, ठीक है, सारी का सिलेक्शन हो चुका है। अब डीवी होने थे 5-6 दिन बाद, तो जो मतलब पहले के जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमीन थे वो लोग केस किए हैं, जबकि उन लोग को 25 नंबर फ्री में मिला है एक्सपीरियंस का, फिर भी वो लोग केस किए हैं। और ये विधानसभा से कैबिनेट से पास हो चुका है रूल, फिर भी ये बहाली डीबी होने के 5-6 दिन पहले हम लोगों को पता चलता है कि ये बहाली रद्द कर दी जाती है। तो अब क्या आपका मांग है? हम लोग का मांग है कि हम लोग की नियुक्ति पूरी की जाए, सरकार या डिपार्टमेंट इसको लेकर के डबल बेंच में जाए, सरकार अपनी बात को हाईकोर्ट में सही तरीके से रख नहीं पाई। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं कहना यह चाहती हूँ कि ये हमारे साथ बहुत ही गलत हो रहा है। अगर हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, सारे मोहल्ले को पता है, हर चीज पता चले कि हम लोग को ज्वाइनिंग होने वाला, और अचानक से सरकार कहती है कि रद्द कर दिया गया, हम लोग को बस ज्वाइनिंग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए, जो करना अगला बहाली में करना है, नहीं तो हम लोग सुसाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लेंगे, हम लोग सुसाइड भी करने को तैयार है। ये हमारा लास्ट चांस था। आप लोगों को यहाँ दिया गया है परमिशन, क्या परमिशन मिला है यहाँ पे धरना के लिए? परमिशन के लिए हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा, एलआरसी डिपार्टमेंट बहुत सारे लोग भैया लोग हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। हाँ कोशिश किया था लेकिन नहीं मिलने दिया गया, भगा दिया जा रहा, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। हम लोग आगे क्या कीजिएगा? हम लोग का सरकार और मंत्री जी से यही मांग है कि सरकार डबल बेंच में जाए, एलपीए दायर करे और मजबूती से अपना पक्ष रखे। हमको यह मालूम है कि सरकार भी सही है, हम लोग भी सही है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है? भ्रष्टाचार नहीं, गलत हम सरकार अपना पक्ष नहीं रखा है, मजबूती से नहीं रखा है। सरकार ने क्या किया, जैसे ये अमीन जो केस हुआ है जिसके आधार पे ये रद्द हुआ है, 2013 में एक अमीन की नियमावली बनी थी उस आधार पे ये रद्द किया है, लेकिन 2017 केस किया जो कि पहले से टेंडर पे काम, जिनके पास फर्जी सर, जिनके पास फर्जी एक्सपीरियंस है वहीं इस पे मतलब केस किया है, जो फर्जी, हाँ फर्जी डिग्री वाले, जो 2013 में जब वैकेंसी आई थी 851 वैकेंसी आई थी, तो उसमें मात्र 6 लोग की 3 लोग शायद फाइनल हुए थे ज्वाइन, अब बताइए, अब बाकी सब फर्जी डिग्री वाले थे, तो वहीं लोग ये केस किए हैं। जबकि हम लोग का जो ये वैकेंसी है ये 2013 के आधार पर तो आई नहीं है, ये 2013 की वैकेंसी, 2013 के नियमावली में ही 2016 में अमेंडमेंट किया गया, उसी आधार पे हम लोग की वैकेंसी आई है, योग्यता को बदला गया। 2016 के आधार पर वैकेंसी आई थी, 2013 के आधार पर निरस्त कैसे कर दिया सरकार? वही तो सरकार ने अपना पक्ष हाईकोर्ट को दिया ही नहीं, प्रथम पक्ष द्वारा तरीके से सरकार बिजी थी। अब देखिए हाईकोर्ट का फैसला हुआ कि अमानत की डिग्री और आईटीआई सर्वेयर की डिग्री नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। ये बताइए बिहार में कहाँ पे अमानत की डिग्री मिलती है, आईटीआई सर्वेयर की डिग्री कहाँ मिलती है? फिर से वैकेंसी बोल रहा है 3 महीना भरा जाए, फिर से भरा जाएगा, फिर 2000 सीट रहेगा और 2 लाख 4 लाख स्टूडेंट भरेगा, फिर पैसा लगेगा।
यानी 2000 स्टूडेंट के लिए 2 लाख वैकेंसी, 200 रुपया जोड़ा जाए तो कितना सारा रुपया हो गया। तो बिहार में वैकेंसी के नाम पर धांधली की जाती है, लोग समझते नहीं है। बिहार की रणनीति, बिहार सरकार की रणनीति अलग है, वो लोग स्टूडेंट से पैसा लूटना चाहते हैं। बिहार में कोई विकास नहीं हो रहा है, बिहार में कहा जाता है बाहर है, लेकिन नीतीश कुमार का अन्याय है। बताइए, हम लोग उम्मीद बना के रखे हुए थे कि ज्वाइनिंग होने वाला है, डीबी होने वाला है, और एकाएक हाईकोर्ट फैसला सुना देता है कि रद्द कर दिया जाता है। लोग का सपना ही टूट गया होगा क्या? जी सर, हम लोग को नींद चैन सब कुछ हो गया है, हम लोग एकदम मर मिटने को तैयार हैं सर। हमारे अगर हमारा ये न्याय नहीं हुआ तो हम सुसाइड करेंगे सारे लोग। हाँ, ये स्थिति सर, हमें सिर्फ ज्वाइनिंग चाहिए। 2 दिन पहले निकलता है कि जो काउंसलिंग का डेट आएगा 8 से 10 दिसंबर को, अब अचानक से 1 दिन पहले आता है कि रद्द कर दिया गया। कहाँ से बीच बीच में धांधली होते जा रहा है। हम लोग चाहिए 10th 12th का पास होने पे जो स्कॉलरशिप मिलता है वो नहीं चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। बस लड़कियों को आगे देखना है तो ऐसे करो ना, जॉब दिलाओ। सब कुछ होने के बाद हमको हटा दिया गया, हम लोगों को रद्द करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्यों किया? बस हमें ज्वाइनिंग चाहिए। नीतीश कुमार जी को, नीतीश कुमार जी को ये फैसला लेना है, हम लोग को फैसला लेना है, ज्वाइनिंग चाहिए बस हमें। नीतीश कुमार बस बोलते हैं कि बेटी